हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। आज इस वीडियो में हम ब्लैंकेट बनाने वाले हैं। किसी भी साइज की ब्लैंकेट ये बन सकती है। कार्डबोर्ड की हेल्प से हम इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कार्डबोर्ड यूज़ किया है, सीजर यूज़ की है, वूल यूज़ की है और एक रूलर मेजरमेंट्स के लिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको जिस भी साइज़ का ब्लैंकेट बनाना है, आपको कार्डबोर्ड उसी हिसाब से छोटा या बड़ा लेना होगा। तो यहाँ पे तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 16 सेंटीमीटर की ली है विड्थ और लेंथ ली है मैंने 21 सेंटीमीटर। तो अगर आपको स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है या आपको बड़ा भी साइज़ बनाना है बेबी के लिए, तो भी आप इसको बना सकते हैं। कार्डबोर्ड उतना ही बड़ा आपको लेना होगा। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे हमको लेनी होगी मोटी वाली वूल, या जिसको हम बोलते हैं चंकी वूल या थिक यार्न। तो उसकी हेल्प से हम इसको बनाएंगे तो हमारा जो लुक है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए, जो पतले वाली वूल है, अगर आप वो यूज़ करना चाहें तो आपको 2 या 3 स्ट्रैंड्स लेके वो वूल को बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी ब्लैंकेट में गैप्स रहेगा और उसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये मोटी वाली वूल यूज़ की है। सबसे पहले मैं कार्डबोर्ड पे इस तरीके से स्ट्रैंड्स लेके ऐसे बांधूंगी, इस तरीके से बांधूंगी कि वो ओपन हो जाए। बाद में हमको ऐसे नॉट लगानी है, एक सिंपल वाली नॉट जो हम बाद में ओपन कर सकें। तो हमें बाद में ये नॉट को ओपन करना है, तो ध्यान रखें इस तरीके से नॉट लगाएं कि वो ओपन हो जाए, डबल नॉट ना लगाएं। और इस तरीके से थोड़े थोड़े गैप के इंटरवल पे हमने नॉट्स लगानी है और अपनी वूल को कट कर देना है। तो इस तरीके से देखिए, हम मैं यहाँ पे टोटल 8 स्ट्रैंड्स को बांधूंगी। तो इसकी हेल्प से हम अपने ब्लैंकेट को बुनेंगे। तो अगर आप बड़ा साइज लेंगे तो आपको उतने ही स्ट्रैंड्स को बढ़ाना होगा, मतलब उतनी ही लाइंस आपको ज़्यादा लेनी होंगी जितना आप बड़ा ब्लैंकेट बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, और हमको दोनों के बीच में गैप भी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर, 1.5 to 2 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स हम गैप रखेंगे 2 लाइंस के बीच में। बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, कम नहीं रखेंगे, अप्रॉक्स हम इतना रखेंगे। तो इस तरीके से देखिए, मैंने टोटल यहाँ पे 8 स्ट्रैंड्स को बांधना है। ध्यान रखिए, नॉट्स इस तरह लगाएं जो बाद में खुल जाएं। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमको इवन नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ही लेने हैं, और नहीं लें, हमको इवन ही लेने हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको इवन नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ही लेने हैं। तो या तो 6 ले, 8 ले, 10 ले, 12 ले, इवन नंबर में ही आपको स्ट्रैंड्स को लेना है। तो जितना बड़ा साइज का कार्डबोर्ड होगा, जितना बड़ा ब्लैंकेट आप बनाना चाहते हैं, उतने ज़्यादा आपको स्ट्रैंड्स को लेना होगा। देखिए, यहाँ पे मैंने अपने 8 स्ट्रैंड्स को बांध दिया है। तो ये बेस जो है वो मेरा एकदम रेडी है। देखिए, 8 स्ट्रैंड्स मेरे हैं ये। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने एक लेंथ ऑफ वूल लेनी है, उसको मैं इस तरीके से एक ऊपर से, एक नीचे से, फिर एक ऊपर से नीचे से करते हुए सेंटर में लेके जाऊंगी। और इस तरीके से हमने अपनी वूल को इंट्रोड्यूस करना है। तो इस तरीके से देखिए, हमने वूल को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जो दूसरा एंड है मेरी वूल का, उसको मैं, उससे मैं बुनना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले कि मैंने ऊपर से लिया, दूसरे के नीचे से लिया, फिर उसके बाद वाले स्ट्रैंड के ऊपर से लिया, फिर उसके नेक्स्ट वाले स्ट्रैंड के नीचे से लिया। इस तरीके से करते हुए मैं ये बुनूंगी और फिर अपनी वूल को इस तरीके से खींचूंगी। तो हमारी फर्स्ट लाइन है वो इस तरीके से बन जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से हमने अपनी वूल को खींचना है, बहुत टाइट नहीं करना है, लूज रखना है एकदम। तो ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी फर्स्ट लाइन बनी। अब हम सेकेंड लाइन बनाएंगे, तो जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था उसका अपोजिट करेंगे। तो देखिए, लास्ट स्ट्रैंड में मेरा नीचे से गया है पिछली लाइन में, तो अब मैं ऊपर से लेके जाऊंगी। तो पहला ऊपर से ले गई, दूसरा नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, इस तरीके से बेसिकली जो हमने लास्ट लाइन में किया था उसका अपोजिट हम इस लाइन में करेंगे। और फिर उसको खींच देंगे अपनी वूल को, तो हमारी यहाँ पे सेकेंड लाइन बनेगी। हमने टाइट नहीं करना है, लूज रखना है उसको एकदम, इस तरीके से देखिए।
तरीके से हमारा जो पैटर्न है वो बनता रहेगा। और हमने इसी स्टेप को रिपीट करते हुए इसको बनाना है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे करते हुए हमने इसको बुनना है। और ये देखिए बहुत ही ईजीली ये हमारा ब्लैंकेट जो है वो रेडी हो जाता है। बहुत ईजी है, कुछ स्टेप्स हैं जो क्रूशियल हैं, हमको ध्यान रखने हैं, नहीं तो एकदम ही ईजी मेथड है। तो यहाँ पे आप किसी भी साइज के लिए बना सकते हैं, उतने ही साइज के आप कार्डबोर्ड लें, उतने ही आप ज़्यादा स्ट्रैंड्स लें। और हम इस तरीके से देखिए इसको बनाते रहेंगे जब तक हमारा पूरा ब्लैंकेट रेडी नहीं हो जाता, पूरी स्पेस मेरी कवर नहीं हो जाती। और यहाँ पे देखिए मेरी वूल अगर ख़त्म हो जाती है तो मैं दूसरी वूल को भी इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, सेम जैसे हमने पहला स्टेप किया था, पहली वाली वूल इंट्रोड्यूस की थी उसी तरीके से। अगर मेरी वूल यहाँ पे ख़त्म हो गई है, आपकी अगर बड़ा साइज बना रहे हैं तो आपकी वूल ख़त्म हो गई है, तो आप यहाँ पे उसको एज इट इज सेंटर में छोड़ के दूसरी वूल को वहीं पे इंट्रोड्यूस कर दें सेंटर से, जैसे हमने स्टार्टिंग में की थी। आप चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी बना सकते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पे ब्लैंकेट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे छोटा साइज बना रही हूँ, मिनी साइज बना रही हूँ, तो मेरी वूल जो है ये पूरी हो गई है, मुझे ऑल वूल इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर अगर आप बड़ा साइज़ बनाएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसी तरीके से इंट्रोड्यूस करें जैसे हमने स्टार्टिंग में की थी। देखिए पूरी मेरी फ्रंट साइड अच्छे से कवर हो गई है। अब जो मेरी इतनी सी लेंथ बची है इसको मैं अगेन इसी तरीके से बुनूंगी, और एंड में जहाँ तक ये जा रही है वहाँ पे जाके मैं इसको छोड़ दूंगी। तो देखिए ये हमारा ब्लैंकेट जो है वो बुन गया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले स्ट्रैंड्स को ओपन करेंगे। तो हमने इसी तरीके से नॉट लगानी है कि वो हम जल्दी से ओपन कर सके। तो यहाँ पे स्ट्रैंड्स हमारे सब ओपन हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये साइड में है इसकी हम लगाएंगे नॉट्स। तो दो को लेंगे, आपस में टाई करेंगे और अच्छे से डबल नॉट लगा लेंगे, जिससे हमारी जो ये ब्लैंकेट की बुनाई है वो ख़राब ना हो, खुले नहीं। तो इस तरीके से हमने दो नॉट्स को लेना है आपस में, और उसको हमने इस तरीके से आपस में बाइंड करना है। और इसी रीज़न की वजह से हमने इवन स्ट्रैंड्स लेने हैं, क्योंकि हमने इनको आपस में टाई करना है दो दो के पेयर को लेके। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हमने इवन स्ट्रैंड्स ही लेने हैं, नहीं तो हमारी नॉट लगाने में हमको प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे मैंने दो दो को लेते हुए नॉट लगा दी। यहाँ पे हमारी नॉट लग गई है, हमारा ब्लैंकेट ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसके साइड्स को ट्रिम करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने जितनी हमको लेंथ चाहिए उतनी लेंथ लेते हुए हम इसके साइड्स को थोड़ा छोटा कर लें, क्योंकि ये मुझे थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग गई है। तो देखिए यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी का ब्लैंकेट एकदम रेडी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट्स में मेंशन करें। And thank you so much for watching.